यूपी में बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए भाजपा मिशन डिमोलिशन अभियान चला रही है। वहीं लखनऊ में भाजपा मुख्यालय में अलग अलग दलों के 319 नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसमें 6 क्षेत्रों के 60 नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्ष, 25 ब्लॉक प्रमुख, 125 नगर निगम पार्षद, 109 जिला पंचायत के सदस्य शामिल रहे। इस दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में भाजपा तेजी से आगे बढ़ रही है। नगर पालिका के अध्यक्ष सभासद पार्टी से जुड़ रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि एक सीट पर भाजपा को जीत दिलाएंगे। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आदरणीय श्री भूषण जी, आदरणीय हिमांशु जी, सामने बैठे सभी हमारे पत्रकार मित्र, वरिष्ठ जन, भारतीय जनता पार्टी का कारवा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी अगुवाई में बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिहाज से है। डेवलपमेंट के मोर्चे पर गरीब कल्याण योजनाओं के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने माननीय मोदी जी की अगुवाई में घर घर अपनी मजबूत पकड़ बनाने का काम किया है। आज असम जनप्रतिनिधिगण जो हमारे नगर पंचायत के अध्यक्ष है, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष है, सभासदगण है, हमारे जिला पंचायत के प्रतिनिधिगण है, सभी काम भारतीय जनता पार्टी के सभागार में, भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के लिए आप सबका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैं भरोसा दिलाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के बृहद परिवार के सदस्य बनने पर आपको एक परिवार का माहौल प्राप्त होगा, महसूस होगा एक परिवार में आप काम कर रहे हैं। किसी भी स्थिति में आपके सम्मान से भारतीय जनता पार्टी पीछे रह के भी समझौता देगी।